हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चार फ्लेवर में बहुत ही टेस्टी मोदक, जिसको बनाना बेहद आसान है। तो एक हमने बनाए हैं मखाने के, चॉकलेट के, बेसन के और चने के। तो आइए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। और आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मखाना मोदक बनाने के लिए हमने पैन को गर्म कर लिया है और इसमें डालेंगे एक चम्मच भरकर देसी घी। इसको मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हुआ इसमें डाल देंगे 40 ग्राम मखाने और घी के साथ इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हम भूनेंगे। मुझे मखानों को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और मखानों को प्लेट पर डालकर हम ठंडा कर लेंगे। तो मखाने हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और अब इनको हम बारीक पीस लेंगे। तो मखाने हमारे बिल्कुल बारीक पीस चुके हैं। अब 150 ग्राम के करीब इसमें डालेंगे हम पिसी चीनी, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे भरकर शहद जो इसको बाइंड करेगा और दोबारा से इसको हम मिक्सी कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मेरे पास हैं ये मोदक बनाने के स्टैंड, इसको हम जरा सा घी लगाकर चिकना कर लेते हैं ताकि मोदक हमारे चिपके ना, बंद कर देते हैं। और अब पीछे वाली साइड में हम मोदक का स्टफिंग भरना शुरू करेंगे। प्रेस कर देते हैं और अब इसको हम खोल लेंगे। आप देखोगे कि कितना बढ़िया हमारा मोदक बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने बाकी भी तैयार करेंगे। तो चना मोदक बनाने के लिए गैस ऑन करके रखा है फ्राई पैन, उसमें डालेंगे 1 कटोरी चने। तो इनको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें हमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं डालनी है, बस सूखा ही इसको रोस्ट करना है। चनों को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और आप देखोगे कि चनों में हमारे स्पॉट से दिखाई देने लगे हैं। इसका मतलब चने भून चुके हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं। तो चने हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसको मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़ और बाइंडिंग के लिए डालेंगे 1/2 चम्मच देसी घी और अब इनको हम मिक्सी कर लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसको हम निकाल लेंगे। अपनी चने की स्टफिंग को इसमें अच्छे से फिल करेंगे, हाथों से अच्छे से दबाएंगे ताकि इसकी प्रॉपर शेप निकले। एक्स्ट्रा को हटा देंगे और मोदक को बाहर निकाल लेंगे। आप देखोगे कि कितने बढ़िया हमारे मोदक बनकर तैयार हो गया है। अब हम बना रहे हैं बेसन मोदक। तो बेसन मोदक बनाने के लिए गैस ऑन करके रखेंगे पैन और उसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन और जितना आप बेसन ले रहे हैं उससे आधा डालेंगे हम देसी घी। यानी 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ देसी घी, क्योंकि हम भोग के लिए बना रहे हैं और दूसरा ये कि हम मीठी चीज बना रहे हैं तो इसमें हम देसी घी का यूज करते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए इसको कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे या फिर जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगेगी तब तक हम इसको स्लो फ्लेम पर ही भूनते रहेंगे। तो बेसन को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देखोगे कि इसका कलर चेंज हो चुका है और मुझे बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसमें ऐड करेंगे जितना हमने बेसन लिया था, यानी 1 कटोरी बेसन लिया था। तो 1/2 कटोरी डालेंगे हम इसमें पिसी चीनी। सबको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम प्लेट पर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो बेसन की स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। फिर से हम मोदक का स्टैंड लेंगे और इसमें स्टफिंग को भरना शुरू करेंगे। बहुत ही बढ़िया मोदक हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी भी तैयार करेंगे। अब मैंने लिए हैं ये चॉकलेट बिस्किट, पैकेट को हम तोड़कर इसमें जार में डाल लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच फ्रेश मलाई और इसको मिक्सी कर लेंगे।
तो बिस्किट मलाई के साथ अच्छे से मिक्सी हो चुके हैं। अब इसके हम मोदक बनाएंगे। तो मोदक स्टैंड में हम पीछे से इसको फिल करना शुरू करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये और फटाफट बन जाते हैं। खोल लेते हैं, आप देखोगे कि कितना बढ़िया मोदक हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। तो चार फ्लेवर में हमारे मोदक तैयार हो गए हैं और आपने देखा कि बनाना भी कितना आसान था। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।